कैरी घर से निकलो, घर से निकलो, घर से निकले तभी तो खर्चा हुआ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं उठी हूँ 11:30 बजे, क्योंकि कल मेरी हालत आपने देखी थी। उसके बाद मुझे व्लॉग भी एडिट करना था, रात को एडिट कर रही थी, फिर नींद आ जा रही थी। फिर मैंने सुबह 5 बजे उठी, फिर एडिट करी, फिर नींद आ गई, फिर 7:30 बजे आँख खुली, मैंने कहा शिट आज लेट हो गया। फिर वापस एडिट किया, फिर डाला, उसके बाद फिर सोई, और अभी 11:30 बज रहा है। अभी मैं उठ चुकी हूँ, ठीक है। तो बस देखते हैं आज का क्या प्लान है। आज तो थोड़ा रेस्ट करूंगी, उसके बाद देखूंगी, शाम को कहीं जाऊंगी तो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग, शूट पे गई थी। कहाँ है बेबू? बेबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा भाई शक्ल दिखाओ, नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे गुंज बुआ को। तेरा क्या, कुछ तो बाल कटे? बाल कटे हैं, इसके भी बाल कटे हैं। स्कूल जा रहा है क्या? जा जा जल्दी, जा जल्दी जा। मम्मी गए, मम्मी नाने गए। अच्छा, जैनम जैनम बैठा सो गया। हे भगवान, मेरे को लगा था गुण दीदी। मैंने कहा शक्ल दिखाया थी, नहीं तो भाभी भूल जाएंगी। हाँ अच्छी बात है। रहने यार, सुन ये देख, इसको बहाना मिल गया जैनम को परेशान करने का, ठीक है। गुड मॉर्निंग जैनम, गुड मॉर्निंग जैनम। ए बुआ बोला करो मुझे, बुआ हूँ मैं, दोनों की छोटों की बुआ हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ। ये कौन सा रिश्ता है ना? इसको, इनको बोलो बुआ बोला करो, रानू दीदी को बोलो गुड बुआ आई तेरे बुलाने। कैसा लगेगा ना, गुड बुआ आई हो बुलाने। ये देखो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब भी सोया था तू, झूठे इंसान। अरे हाँ, स्कूल जाके आया। गुड मॉर्निंग भाभी, भाभी नहा के आई हमारी। नहीं नहीं हो गई भाभी की, मैं अभी सो के उठी। तो गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 6 आई थिंक, और मैं फिर से दिन में खाना वाना खा के सो गई थी, ठीक है। अब जाके उठी, नहाई धोई, पूरी थकान निकाली बॉडी की। और ये मेरे पीछे, बंद कर इसको, मेरे पीछे देखो लाइट, अभी दिखाती हूँ। ये इंसान ने ऐसे लाइटें लगा रखी है, ठीक है, ऐसे अपना यहाँ शूट करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये आया है, इसका शूट करना है, कोलैबोरेशन आया है भाई साहब को। तो इसको सीधा रखना, उल्टा क्यों, टेढ़ा क्यों रखा है? ये देखो, ये है शिलाजीत का, इसको आया है कोलैबोरेशन। ये काम करता है एनर्जी बूस्टर, आपको जिम में हेल्प करता है, इम्यून पावर बढ़ाता है आपका। तो बस मैं इसका शूट वूट कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फैज, इतनी वाहियात चीज मैंने पहली बार देखा। कड़वा कड़वा लग गया इसको, और ये शीशी भी आधी खाली आई है। ये स्कैम हुआ है, क्या हुआ पता नहीं, ये बाद में पूछा जाएगा। वैसे इसमें लिखा है 250 ग्राम ही, बट इसका मुंह देखो। इसका मुंह देखो, चलना यार, करना फटफट यार। क्या है ये वो हल्दी कुमकुम का? अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, प्यारा लग रहा है। तो गाइज हम लोग आए इन्फिनिटी मॉल, क्योंकि फयाज ने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए शूज़ ले लिया था, तो उसका साइज़ ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है। इसीलिए बोलते किसी को ऐसे कपड़ों में और शूज़ में सरप्राइज़ नहीं देना चाहिए। बेचारे ने ले लिया और मेरा साइज़ ऊपर नीचे हो गया, तो अभी मुझे लेके आया कि यार वो शूज़ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और मेरी एक टी शर्ट मैंने ली थी ओज़ार्ट से, तो वो मैंने एक बार भी वॉश नहीं की है, और उसके जो डायमंड्स हैं ना वो निकल गए हैं। तो डायमंड्स निकल गए वो इट्स ओके, बट जहाँ जहाँ से निकले वहाँ वहाँ पे होल हो गया है। तो मैं एक बार उनसे भी पूछ लूँगी कि वो कुछ एक्सचेंज ऑफर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक बार भी वॉश नहीं किया यार। और इतनी महंगी महंगी टी शर्ट्स हैं, मतलब 1000 रुपये से ऊपर की टी शर्ट हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं, आए हैं तो बस आ गए हैं मॉल, चलते हैं अंदर। वो आरब भी आ गया है, वो देखो कुछ तो कर रहे हैं दोनों जने। तो क्यों देता है तू ऐसे सरप्राइज जो मुझे दोबारा मॉल आना पड़ता है? अरे यार मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। मुझे क्या पसंद तो आया है, शूज अच्छा है। मैंने ऑफर में देखा था, ये कमीना ऑफर में था, तो वही शूज मैं एक्चुअली देख के गई थी, तो बहुत कॉस्टली था। फिर अभी थोड़ी सी सेल लगी हुई है, थोड़ा ऑफर में चल रहा है, ठीक है। विंटर सेल चल रहा है, विंटर सेल। हाँ विंटर सेल चल रहा है, लेकिन मैंने इसको बोला कि हम लोगों का प्लान है फरवरी में जाने का घर, तो मैंने इसको बोला कि वहीं से लेते हैं, वहाँ बहुत अच्छे बूट्स मिलते हैं। अब पैसे खर्च कर दिए, वापस तो मिलेंगे नहीं। अब पहले अपना, हाँ टी शर्ट चेंज करानी।
ये जो है ना ये सब ये जब निकल भी रहा है और इसके नीचे जब निकलता है तो ये होल्स निकलता और एक बार भी वॉश नहीं किया गया। डायमंड निकलेगा इट्स ओके, लेकिन उसकी डायमंड की जगह पे होल हो जा रहा है, मैं पहन ही नहीं सकती दोबारा उसे। दूसरा प्रोडक्ट ले जाते हैं। ओके ओके ठीक है। कभी लिया था आपने ये? कुछ बिल है इसका आपके? एक महीना, हाँ बिल होगा इसका, दिखा दीजिए। उन्होंने बोला है कि हो जाएगा ठीक है, तो मेरे फेस पे स्माइल आई, अदरवाइज तो मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो गाइस मैंने वाइट वाइट ले लिया है ठीक है, डोनाल्ड डक, डोनाल्ड डक देखो ये मेरे को शूज दिला रहा था, मैंने इसको ये दिला दिया, चलो पहनना तो मैंने ही बाद में। तो यहाँ पर एक्सचेंज हो गया है, थैंक यू सो मच ठीक है, हाँ कराने के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपड़े तो और बाकी अच्छे ही थे, बस इसमें थोड़ा सा इशू हो गया। नहीं नहीं, मेरा मेरा शर्ट कैसा है, वाइट वाला? ये तू लेगा? तो इसलिए तो मीडियम लिया, मेरे साइज के तेरे पहले आ गए, मेरे साइज के, मेरे साइज के ले लेना। वैसे भी तेरी मेरी टी शर्ट हम एक दूसरे की पहन लेते। चलो चलो मिशन सक्सेसफुल है, खुशी मिल गई, हाँ सेटिस्फाइड हो गया। हाँ जानबूझ के बोल रहे हो तुम उनके सामने, हाँ दोबारा नहीं बुलाएंगे तेरे को। हाँ क्या ही? ये एक्सचेंज कर दी, साइज बड़ा लिया है। कैसे लग रहा है? अच्छे लग रहे हैं। सीधे जा तब पता चलेगा ना। बड़ा तो नहीं है ना तुम्हारे लिए? आ इधर को आ चल के। 36 होता तो ज्यादा अच्छा था। हां सॉक्स भी थोड़ा टाइट हो गए, देख ही नहीं रहे हैं। वो तो देखा नहीं, नहीं इतना कह रहे हैं, ट्रेंड वाले लोग। पेंगुइन आया, पेंगुइन ऐसे ऐसे ये इन्होंने बांध के रखा है, ऐसे ऐसे चल रहा। क्यों? क्यों तो जवाब नहीं है। मेरी भी किस्मत है। कैरी घर से निकलो, घर से निकलो, घर से निकले तभी तो खर्चा हुआ। Buy two get one free। तो भाई इसे बोलते बिना एक रुपया खर्चा किए शॉपिंग करना ठीक है। पुरानी टी शर्ट देके नई टी शर्ट आ गई, शूज शूज आ गए फ्री में बिना एक रुपया। ए तू बोल रहा था मैं मोटी हो गई, इसमें तो मैं पतली दिख रही हूँ। फिल्टर वैसा है ना पतले वाला, कुछ भी मत बोला कर। वैसे मैं हो गई। क्या खिला रहा है? मेरी बाइक में तो मैं हवा खिला सकता हूँ। तेरी बाइक में तो हवा भी नहीं खिला सकता, तेरा स्टैंड टूटा, उसमें बैठने लायक भी नहीं हो रहा है। वैसे इतना पतला सीढ़ियों से आ रहा है यार। क्यों आया तू सीढ़ियों से? यही चक्कर में इसका वेट कम होता है। तो गाइज यार मॉल से आ गई थी घर, आरब भी साथ आया था, फयाज तो वहीं से चला गया था। उसके बाद आरब ने मुझे छोड़ा, मेरा लुक टेस्ट था एक जगह, तो बस वहाँ से आने में लेट हो गया। तो अभी चली मैं फिलहाल सोने, मिलेंगे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स, देखना ना भूले गुंज वेव। थैंक यू सो मच, टाटा।